A happy child, एक खुश बच्ची. My house is red, a little house, a happy child am I. मेरा घर एक लाल घर है, एक छोटा सा घर है और मैं एक खुश बच्ची हूँ. I laugh and play the whole day long. मैं दिन भर जो है वह हंसती हूँ और खेलती हूँ. Laugh का मतलब हंसना, play का मतलब खेलना और whole का मतलब होता है सारा दिन. I hardly ever cry. मैं शायद ही कभी रोती हूँ. I have a tree, a green green tree. मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़ है. To shade me from the sun, मुझे सूरज से आने वाली किरणों से बचाने के लिए. And under it I often sit. और इस पेड़ के नीचे मैं हमेशा बैठती हूँ. When all my play is done, जब मेरा सारा का सारा काम खत्म हो जाता है. Three little pigs, तीन छोटे सुअर. यह कहानी जो है वह तीन सुअरों के बारे में है जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू है. सोनू जो है वह झाड़ी पत्ते वाले घर में रहता था. मोनू जो है वह स्टिक से बनाए हुए, बांस के लकड़ियों से बनाए हुए घर में रहता था. वही अगर हम बात करें गोनू के बारे में तो वह ईंटों से बनाए हुए घर में रहता था. एक दिन क्या होता है, एक बड़ा सा भेड़िया जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा, वह सोनू के घर आता है और सोनू से कहता है कि मैं तुम्हारे घर को जो है वह तहस नहस कर दूंगा. और वह जो है उसके घर को बहुत जोर का फूक मारता है, इतनी ज़्यादा जोर का फूक मारता है कि वाकई में सोनू का घर बर्बाद हो जाता है. अब सोनू जो है वह दौड़ता हुआ मोनू के घर पहुँचता है तो उसका पीछा करते हुए वह जो भेड़िया है वह भी मोनू के घर पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हारे घर को तहस नहस करूंगा. और वह जोर से उसके घर की तरफ फूंकता है. फूंक मारने से क्या होता है कि मोनू का घर जो है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है. अब क्या होता है, सोनू और मोनू दोनों जो है वह दौड़ते हैं गोनू के घर पहुँचते हैं. अब वह जो भेड़िया जो है वह गोनू के घर पहुँच जाता है और वहाँ वह भेड़िया कहता है मैं तुम्हारे घर को तहस नहस कर दूंगा, फूंक करके उसे बर्बाद कर दूंगा. वह जोर से फूंकता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसका घर जो है वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है. अब यहाँ पे भेड़िया जो है वहाँ से चला जाता है और सोनू, मोनू और गोनू जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ उस लाल ईट के बने हुए घर में रहते हैं. तो हमें इस कहानी से क्या पता चलता है कि हमें हमारा घर जो है वह हमेशा मजबूत बनाना चाहिए, जिस तरह से गोनू ने अपने घर को बनाया था. आफ्टर ए बाथ, नहाने के बाद. यह पोयम जो है वह एलन फिशर के द्वारा लिखी गई है और अब हम शुरू करते हैं हमारी पोयम. After my bath, I try, try, try to wipe myself till I am dry, dry, dry. नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ, करता हूँ, करता ही जाता हूँ खुद को साफ करने का, पोछने का, ताकि मैं सूखूँ, सूखूँ और बहुत ही जल्दी सूखूँ. Wipe मतलब होता है पोछना, try मतलब होता है कोशिश करना और dry मतलब होता है सूखना. Hands to wipe एंड द फिंगर्स एंड द टॉयस, किस चीज़ के लिए कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ सूख जाए, मेरे पैर सूख जाए, मेरे हाथ सूख जाए, मेरी उंगलियाँ सूख जाए. एंड टू वेट लेग्स, और मेरे जो भीगे हुए दोनों पैर है वह सूख जाए. एंड अ शाइनी नोज, अवह नाक जो पानी के कारण चमकने लगी है वह सूख जाए. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम इट टेक्स इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक शेक शेक. जरा सोचो कितना कम समय लगता अगर मैं एक कुत्ता होता. मैं क्या करता, बस अपने पूरे शरीर को हिलाता और सारे के सारे पानी मेरे शरीर से निकल जाते.
द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। बबल का मतलब होता है बुलबुला, स्ट्रॉ जो है उसका इस्तेमाल करके कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाता है, और शूज का मतलब होता है जूता। तो एक समय की बात होती है जहां बबल, स्ट्रॉ और शू जो है वह रहते हैं। एक दिन वह टहलते टहलते जंगल के पास आते हैं और उनके रास्ते में एक नदी पड़ती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस नदी से कैसे बाहर जाया जाए, उसे पार कैसे किया जाए। जिस पे शू जो है वह कहता है कि बबल, हमें तुम्हारे ऊपर बैठ करके इस नदी को पार करने दो। जिस पे बबल कहता है, नहीं नहीं शू, ऐसा नहीं हो सकता है। एक काम करते हैं, हम स्ट्रॉ को बोलते हैं कि वह अपने आप को फैलाए और नदी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़े, और हम जो है उस पे चढ़कर नदी को पार करेंगे। जिस पे शू और स्ट्रॉ को यह बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अब क्या होता है, स्ट्रॉ अपने आप को नदी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जोड़ता है, और जब शू जो है स्ट्रॉ के ऊपर उछलता है तो स्ट्रॉ टूट जाता है और शू जो है नदी में गिर जाता है और पूरा का पूरा भीग जाता है। जिसे देख करके बबल जो है वह जोर जोर से हंसने लगता है। मतलब यहाँ पे जो है बबल ने अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाया। वन लिटिल किटन, एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची। तो वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स, थ्री बेबी बटरफ्लाई, फोर बिग रैट्स। एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची, दो बिल्लियाँ, तीन सुंदर सुंदर तितलियाँ और पांच मोटी सी मछली। सिक्स सैड सील्स, सेवन सिली सीगल्स। अब छः जो है वह उदास सील। सील जो है वह एक प्रकार का जानवर होता है जो मुख्य रूप से देखा जाए तो पानी में पाया जाने वाला है, एक तरह का बोल सकते कि वह मछली होता है। तो छः सैड सील होते हैं और सात जो है वह थोड़े अजीबोगरीब सीगल होते हैं, वो भी एक तरह का जीव है। एट हैप्पी ईल्स, और आठ जो है खुश ईल्स होते हैं। अब सवाल ईल्स क्या है, तो ईल्स एक प्रकार का मछली होता है। नाइन नर्वस लिजर्ड, और नौ जो है वह छिपकलियाँ होती है। कैसे छिपकलियाँ, तो थोड़ा सा बेचैन छिपकलियाँ होती हैं। टेन ब्रेव बीस, एलेवन स्मेली एलिफेंट, दस बहादुर मधुमक्खियाँ, और ग्यारह बदबूदार हाथी। ट्वेल्व फैट फ्लीस, थर्टीन एलिगेटर्स। बारह मोटे से फ्लीस, फ्लीस एक तरह का कीड़ा होता है, तो बारह मोटे से फ्लीस। तेरह एलिगेटर्स, एलिगेटर्स एक प्रकार का मगरमच्छ होता है। फोर्टीन व्हेल्स, फिफ्टीन डंकीज विथ फिफ्टीन टेल्स। चौदह व्हेल मछली, और पंद्रह गधे जिनके पंद्रह पूंछ भी है। यह पोयम जो है इसे लिखने वाली कैरोलाइन ग्राहम है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को जो है वह काउंटिंग सिखाया गया है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन तक का काउंटिंग इस पोएम के माध्यम से सिखाया गया है। अब बहुत ही राइमिंग वे में लालू एंड पीलू। यह कहानी दो भाइयों के बारे में है और उनकी माँ के बारे में है। तो एक मुर्गी होती है जिसके दो चूजे होते हैं, एक का नाम लालू और दूसरे का नाम पीलू। लालू को लाल चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, वहीं दूसरी ओर पीलू को पीली चीजें बहुत पसंद होती है।
क्योंकि लालू लाल और पीलू पीला है। एक दिन क्या होता है, लालू को कुछ पौधे पास दिखा देता है जो कि लाल लाल रंग का था। तो वह उसे देख के बहुत ही ज़्यादा आकर्षित अट्रैक्टेड होता है और उसे खा लेता है। अब खाने के बाद उसे क्या पता चलता है कि तो लाल मिर्च थी। अब उस लाल मिर्च के खाने के बाद उसकी जो हालत हुई वह बता नहीं पा रहा था। वह बस उछल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मुझे तीखा लग रहा है। उसके मुंह जो है पूरी तरह से जलने लगता है। वह चिल्ला रहा इधर उधर कि मेरी हालत ख़राब हो रही है, तीखा तीखा करते हो जाता है। तब क्या होता है, उनकी माँ जो है दौड़ते हुए आती है और उसके साथ पीलू भी आता है। अब पीलू बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के लाया हूँ। बोलता है क्या, तो पीलू जो है एक पीला पीला लड्डू ले करके आता है। जब लालू उस लड्डू को खाता है तो उसका मुंह जो है जलना बंद कर देता है और पीलू को लालू और उसकी माँ जो है वह चूमते हैं। यह स्टोरी जो है इसे लिखने वाली विनीता कृष्णा है। यहाँ पे दो भाइयों के बीच के प्रेम के बारे में बताया गया है कि भले ही दो भाई जो है वह हमेशा एक दूसरे से क्यों ना दूर हो, लेकिन हमेशा एक दूसरे के दुख में साथ देते हैं। Once I saw a little bird, एक दिन मैंने एक छोटे से पक्षी को देखा। Once I saw a little bird come hop hop hop, एक दिन मैंने एक छोटे से पक्षी को देखा जो फड़फड़ाता हुआ उड़ रहा था। I cried, मैं चिल्लाया, little bird, छोटे से पक्षी, will you stop stop stop, क्या तुम रुकोगे रुकोगे रुकोगे। I was going to the window, मैं खिड़की की तरफ जा रहा था। विंडो का मतलब होता है खिड़की। To say, कहने के लिए, how do you do, कैसे हो तुम। But, लेकिन, he shook the little tail, उसने अपनी छोटी सी पूंछ को हिलाया and away he flew, और उड़ता हुआ वहाँ से चला गया। इस पोयम में बताया गया है कि अगर हमारे घर के अगल बगल या हमारे घर में कोई पक्षी हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका निवास स्थान जहाँ वह रहता है, जो कि पेड़ है, उसके ना रहने से वह इधर उधर भटकता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो है पेड़ पौधों को ना काटें। मिट्टू एंड द येलो मैंगो, मिट्टू और एक पीला आम। यह कहानी मिट्टू नाम के एक तोते के बारे में है जो एक हरा तोता है और उसकी जो चोंच है वह लाल है। एक दिन क्या होता है, मिट्टू कहीं उड़ता हुआ जा रहा था क्योंकि उसे उड़ना पसंद है। जब वह उड़ता हुआ जा रहा था तो उसकी नज़र कहीं पड़ती है, एक आम के पेड़ पे पड़ती है जहाँ पे एक बड़ा सा पीला आम लटक रहा था। तो मिट्टू को वह आम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए और मिट्टू कहता है कि मैं यह पीला आम खाना चाहता हूँ और उस पेड़ की तरफ जाता है। तभी वह काँव काँव यहाँ से चले जाओ सुनता है। यह बोलने वाला एक कौवा होता है। वह कहता है काँव काँव यहाँ से चले जाओ, यह पेड़ मेरा है, यह पेड़ मेरा है। अब मिट्टू जो है वो इधर उधर देखता है कि कौन बोल रहा है भाई। तभी उसकी नज़र जो है एक बड़े से काले कौवे के पास जाती है और वह कौवा फिर से बोलता है काँव काँव यहाँ से चले जाओ, चिल्ला के बोलता है। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मिट्टू जो है वह उस कौवे से डर जाता है और वहाँ उड़ से चला जाता है उस जगह से। तभी मिट्टू जो है वह एक लाल बलून को देखता है एक पेड़ के नीचे और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह क्या करता है, उस लाल बलून को उठाता है बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ताकि वह फट ना जाए।
और वह उस बलून को उस आम के पेड़ के पास लेके जाता है जहाँ पे कौवा बैठा हुआ था। तो मिट्टू ने क्या किया, उस लाल बलून को पेड़ के पीछे ले गया जहाँ कौवा बैठा हुआ था और उसने अपनी लाल चोंच से उस बलून को फोड़ दिया। और तभी बलून फूटने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि कौवा कांप बोलता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वह बोलता है, एक बड़ी सी बंदूक ने मुझ पे हमला किया है, किसी ने एक बड़ी सी बंदूक की गोली मुझ पे चलाई लेकिन मैं बच गया। और अब वह इतना ज़्यादा डर गया था कि वहाँ से उड़ के चला जाता है और फिर वापस कभी भी नहीं आता है। अब जब कौवा चला गया है तो मिट्टू जो है वह उस पेड़ के पास आता है और बड़े से पीले रंग के आम को खाता है और बोलता है, यम्मी यम्मी कितना अच्छा आम है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। मिट्टू तो है बहुत ज़्यादा तेज। इस कहानी को लिखने वाले चित्र नरेंद्रन है। मैरीगो राउंड एक तरह का झूला होता है। अगर हम बात करें मैरीगो राउंड के बारे में तो इसे लिखने वाले डोरोथी डब्लू बारूच है। आई क्लाइंब अप ऑन द मैरीगो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। मैंने क्या किया, मैरीगो राउंड की सवारी की और वह घूमता ही गया। आई क्लाइंब अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स। मैंने किसकी सवारी की, एक बड़े से भूरे रंग के घोड़े की। एंड इट वेंट अप एंड डाउन, वह क्या करने लगा, ऊपर नीचे होने लगा जब मैं मैरीगोराउंड के सवारी करने लगी। अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन, गोल गोल घूम रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है। अराउंड एंड अप एंड डाउन, गोल गोल घूम रहा है ऊपर नीचे हो रहा है। आई सेट हाई अप ऑन ए बिग ब्राउन हॉर्स। तो मैंने क्या किया, मैं एक बड़े से भूरे रंग के घोड़े के काफ़ी ऊंचा पे बैठ गया एंड रोड राउंड और उसके चारों ओर घूमने लगा। कहाँ घूमने लगा, तो ऑन द मैरीगो राउंड एंड रोड अराउंड, उस मैरीगो राउंड में घूमने लगा और काफ़ी मस्ती करने लगा। ऑन द मैरीगो राउंड आई रोड अराउंड, मैरीगो राउंड में बैठ करके मैं गोल गोल घूमने लगा। ऑन द मैरीगो राउंड अराउंड एंड राउंड एंड राउंड, उस मैरीगो राउंड में घूमता गया। सर्कल घेरा। यह कहानी मोहिनी और उसकी दादी के बारे में है। एक दिन की बात है जब मोहिनी अपनी दादी माँ के साथ बैठी हुई थी, जिस पे दादी माँ जो है वहाँ पे देखती है कि दादी माँ क्या कर रही है, एक सर्कल बना रही है। और सर्कल बनाने के समय जो है दादी माँ मोहिनी से पूछती है, क्या तुम सर्कल बना सकती हो, जिस पे मोहिनी बोलती है, हाँ दादी माँ मैं बना सकती हूँ। और मोहिनी सर्कल बनाना शुरू कर देती है। अब क्या होता है, अब इस पे दादी माँ बोलती है कि इस सर्कल की मदद से मैं क्या करूँगी, बलून बनाऊँगी। दादी माँ क्या करती है, तीन लाइन्स घिसती है सर्कल पे और उसका देखा देखी जो है वह मोहिनी भी क्या करती है, मोहिनी तीन लाइन्स घिसती है उसी सर्कल पे। और इस पे जो है वह मोहिनी बोलती है, यह तो दिखने में बिल्कुल ही बॉल के जैसा लग रहा है, जिस पे दादी माँ बोलती है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये बॉल के जैसा दिखने में लग रहा है तो अब हम इस सर्कल को जो बॉल के जैसा दिखने में लग रहा है इसे बलून की तरह बना देंगे। और दादी माँ जो है वह उस सर्कल पे इधर उधर घेरा करती है और वह दिखने में बलून के जैसा लगता है।
जिस पे मोहिनी जो है वह खुशी के साथ ताली बजाने लगती है और कहती है, हाँ दादी माँ बिल्कुल सही कह रही हो, एकदम बलून के जैसा ही दिखने में लग रहा है। जिसके बाद मोहिनी बहुत सारे सर्कल्स बनाती है, कुछ छोटे कुछ बड़े, और उसे अलग अलग रंगों से भरती है, जैसे लाल, ब्लू, हरा, पीला। इन सब सर्कल्स को बनाने में, बलून्स को बनाने में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। अब यहाँ पे दादी माँ बोलती है कि देखो बेटा, तुम यहाँ पे सर्कल बना पा रही हो, सर्कल के साथ साथ बॉल भी बना पा रही हो और बलून भी बना पा रही हो, लेकिन क्या तुम सर्कल की मदद से कुछ और भी बना सकती हो? जिस पे मोहिनी बोलती है, हाँ दादी माँ मैं बना सकती हूँ। और वह क्या बनाती है? व्हील, चक्का। व्हील के साथ साथ वह मून, चांद बनाती है, सन, सूरज भी बनाती है। उसके साथ साथ वह खरगोश बनाती है और अपना चेहरा भी बनाती है। अगर हम बात करें इस कहानी को लिखने वाले का नाम, तो उनका नाम है मनोरमा जाफा। इफ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता। इफ आई वर एन एप्पल एंड आई ग्रो ऑन ए ट्री, अगर मैं एक सेब होता और मैं एक पेड़ पर उगता, आई थिंक आई ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी, तो मैं क्या करता, मैं एक बहुत ही अच्छे लड़के के सिर पे गिरता जैसा कि मैं। आई वुडंट स्टे देयर, मैं उस पेड़ पे कभी नहीं रहता। गिविंग नो बडी जॉय, कि ऐसा नहीं कि मैं उस पेड़ पे रहता और किसी को भी ना खुश करता, तो मैं उस पेड़ पे कभी नहीं रहता और सब लोगों को हमेशा खुश करता। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं क्या करता, अगर मैं सेब रहता और कोई मेरी तरफ देखता तो मैं तुरंत उसकी तरफ गिर जाता एंड से और कहता, ईट मी माय बॉय, मुझे खाओ मेरे दोस्त। आवर ट्री, हमारे पेड़। यह पोयम जो है वह प्रणव और स्मिता चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। इस पोयम में जो है वह पेड़ के बारे में कुछ बातें बताई गई है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम। अ लिटिल बर्ड सीज, एक छोटा सा पक्षी देखता है, क्या देखता है, तो राइप फ्रूट्स ऑन आवर ट्री, हमारे पेड़ पे लगे हुए पके फल को। एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, और वह क्या करता है, एक स्वादिष्ट बेर को खाता है। द बर्ड फ्लाइज टॉल, और वह पक्षी जो है वह उस बेरी को खाते हुए ऊंचा उड़ने लगता है। एंड अ बेरी सीड्स फॉल, और जब वह बेरी को खा लेता है तो उस बेरी का जो बीज जो है वह नीचे गिर जाता है। द रेन्स हैव कम, बारिश आ गई है, हरी, लेट्स रन, चलो जल्दी चले यहाँ से भागते हैं। क्लाउड्स रेन एंड सन, बादल बारिश और सूरज। आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन, हमारा जो पौधा जो है वह छोटा सा है। तो यहाँ पे जो है पौधे के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पौधे छोटे हैं और बारिश आ रही होती है। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन क्या बोलते हैं कि बादल, सूरज और बारिश, थोड़ा रुक जाओ, अभी हमारा पेड़ छोटा है। नाउ ए ट्री, अब वह पेड़ बन गया है। विथ ब्रांचेस लॉन्ग, जिसकी लंबी लंबी टहनियां है। क्रोस
एंड बर्ड्स सॉन्ग। और अब उन टहनियों पे कौवे और पक्षी जो है वह गाते हैं, क्रॉलिंग एंट्स एंड स्पाइडर वेब्स। वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ जो है वह चलती रहती है और मकड़े भी अपना जाल बुनते हैं। कैटरपिलर विथ टाइनी लेग्स, यहाँ पे जो है वह कैटरपिलर्स भी आते हैं जिनके छोटे छोटे पैर है। रिच ग्रीन लीव्स, और यहाँ पे क्या है, हरे हरे पत्ते हैं। लाइफ एप्लेंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। द ट्री हैज फ्रूट, एक पेड़ के पास क्या है, फल है। सम बिग सम स्मॉल, कुछ बड़े कुछ छोटे। लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल, तो एक काम करते हैं उसे तोड़ते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन फलों को तोड़ते हुए हम ना गिरे। क्रो पर्च स्क्वायरल रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन, तो यहाँ पे कौवे जो है वो यहाँ रहते हैं, यहाँ कौओं का बसेरा है। यहाँ पे गिलहरियाँ दौड़ते हैं और देखो उन बंदरों को कितना ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग्स, इनकी जो टहनियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और उन टहनियों पे हम लोग झूला लगा के झूलते हैं। आवर ब्यूटिफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स, तो हमारे इस सुंदर पेड़ के पास कितनी सारी चीज़ें हैं। इसके पास फल है, टहनियाँ है, बहुत तरह के पशु पक्षी यहाँ रहते हैं जैसे कौवा, गिलहरी, बंदर। इसे बहुत सारे फल फूल है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी गाते हैं, यहाँ पे मकड़े अपने जाल बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पेड़ों के पास होती हैं। तो ये था हमारा आज का पोयम। आ काइट एक पतंग, यह पोयम जो है वह एक बच्चे के द्वारा इमेजिन कल्पना किया जा रहा है जिसमें एक बच्चा बताने की कोशिश करता है कि अगर वह एक काइट पतंग होता तो वह क्या करता है। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, मैं कभी कभी जब बैठा रहता हूँ तो यह सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता कि अगर मैं पतंग होता जो कि आसमान में उड़ता एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, और मैं हवा में उड़ता हुआ उस जगह जाता जहाँ भी मेरा मन करता बिना किसी के रोक टोक के। Thank you.
लिटिल टर्टल, एक छोटा सा कछुआ। यह पोयम एक कछुए के बारे में है जो अपने बारे में कुछ बातें बताता है। आई एम अ लिटिल टर्टल, मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ। आई क्रॉल सो स्लो, मैं बहुत धीमे धीमे रेंगता हूँ। आई कैरी माई हाउस, मैं अपने साथ अपना घर लेके घूमता हूँ। वेयर एवर आई ग्रो, जहाँ कभी मैं जाता हूँ। तो अगर हम कछुए के बारे में बात करें तो कछुए के शरीर के ऊपर एक शेल, एक कठोर शेप होता है जिसके अंदर कछुआ जब चाहे अंदर जाता है, और यह कछुए के लिए प्रोटेक्शन, बचाव का काम भी करता है। When I get tired, I put in my head, और जब कभी भी मैं थक जाता हूँ तो मैं अपने सिर को अपने घर के अंदर अपने शेल के अंदर रख देता हूँ। My legs and my tail and I go to bed, मेरे पैर जो है वह मेरे घर के अंदर, मेरी पूंछ जो है वह मेरे घर के अंदर, और मेरा सर जो है वह भी मेरे घर के अंदर चला जाता है, मतलब उसके शेल के अंदर चला जाता है। द टाइगर एंड द मॉस्किटो, एक बाघ और एक मच्छर। एक समय की बात है कि एक टाइगर जो है वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, तभी एक मच्छर भिनभिनाते हुए वहाँ से जा रही होती है, जिस पे टाइगर बोलता है, ए मच्छर चलो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मैं सो रहा हूँ। जिस पे मच्छर बोलता है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं तुमसे नहीं डरता। जिस पे जो टाइगर जो है वह गुस्सा हो जाता है और अपने पंजे से उस मॉस्किटो मच्छर की तरफ हाथ फैलाता है, तो मच्छर क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और टाइगर का पंजा उसी के चेहरे पे लग जाता है और इतना जोर का लगता है कि उसके दांतों से खून निकलने लगती है। अब क्या होता है कि मच्छर जो है वहाँ से चला गया होता है, फिर उसकी दूसरी तरफ मच्छर आता है तो टाइगर दूसरी बार अपने पंजे से अपने चेहरे पे मार देता है, हालांकि वह मच्छर को मारना चाह रहा होता है, और इस बार भी टाइगर को बहुत जोर का लगता है। अब टाइगर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन मच्छर अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रहा है। वह जो है वह टाइगर के सामने भिनभिना रहा होता है और टाइगर कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है, तो टाइगर जो है वह थक जाता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पे मॉस्किटो मच्छर जो है वह उसे बोलता है, कभी भी इतना घमंड मत करना मेरे दोस्त, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से बेहतर होता है। इसे लिखने वाले मृणाली श्रीवास्तव है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी तरीके से उस घमंडी व्यक्ति को किसी दूसरे की सहायता पड़ सकती है। क्लाउड्स, बादल। यह कहानी जो है, यह पोयम जो है बादल के बारे में है, तो चलिए पढ़ते हैं। इट्स सो हॉट, द स्काई इज ब्लू, कितनी गर्मी है, आसमान जो है वह नीला है। अ लिटिल क्लाउड्स कम्स लुकिंग फॉर यू, एक छोटा सा प्यारा सा बादल तुम्हें ढूंढता हुआ आता है। मोर क्लाउड्स कम, और उस बादल को देखे देखे बहुत सारे बादल आ जाते हैं।
दे ब्रिंग रेन, बादल अपने साथ क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं। सिंग एंड डांस, नाचो गाओ, इट्स कूल अगेन, दोबारा हमें ठंड लग रही है। तो यह जो है वह गर्मी के मौसम के बाद जो बारिश का मौसम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में आसमान पूरा नीला होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन जब बादल आते हैं तो बारिश अपने साथ लाते हैं और हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी गर्मी है उसे ख़त्म करके हमारे अर्थ पृथ्वी को दोबारा ठंडा कर देती है। आनंदी रेनबो, आनंदी का इंद्रधनुष। अगर हम रेनबो या इंद्रधनुष के बारे में बात करें तो वह जो है वह बारिश के बाद उगती है। इंद्रधनुष 7 रंगों का बना हुआ होता है। इस कहानी को लिखने वाले अनूप रे हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि घर के बाहर बारिश हो रही होती है और आनंदी जो है वह बारिश के सपने देखते हुए सो जाती है। जब वह उठती है तो वह खिड़की से देखती है कि बाहर आसमान में एक बड़ा सा और चमकीला रेनबो दिखाई दे रहा होता है। तब आनंदी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह अपनी पालतू बिल्ली मिली के साथ गार्डन बगीचे की तरफ जाती है। आनंदी को रंगने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, तो वह जो है अपने बगीचे के जितने भी फूल है उसे रेनबो के रंग से रंगना चाहती थी। तो वह जो है वह कुछ फूल को वायलेट बैंगनी कलर से रंगती है, फिर उसके बाद कुछ को जामुनी कलर से रंगती है, कुछ को नीले कलर से, कुछ को हरे कलर से और कुछ को नारंगी कलर से रंगती है। किसी किसी को तो वह लाल रंग से भी रंगती है, लेकिन जो एक रंग बच गया होता है आनंदी के पास वह होता है पीला रंग। अब सवाल आता है कि आनंदी उस पीले रंग का क्या करे। तो वह उस पीले रंग से सूरज को रंग देती है, जिससे सूरज और भी ज़्यादा चमकने लगता है। और अब जब सूरज की रोशनी आनंदी के बगीचे पे पड़ रही थी तो उसके बगीचे के जितने फूल है सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लग रहे थे। अब जब फूलों को, रेनबो को और सूरज को रंग दिया गया था तो उसके बाद रेनबो जो है वह वहाँ से चला जाता है। तो कहानी बताया गया है कि रेनबो के जितने भी रंग थे उन रंगों का इस्तेमाल करके आनंदी ने अपने बगीचे के सारे फूलों को और सूरज को रंग दिया था। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि रेनबो में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। फ्लाइंग मैन, उड़ने वाला आदमी। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई। तो फ्लाइंग मैन के बारे में बोला जा रहा है कि वह आसमान में उड़ता है और उससे एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, कि तुम इतना ऊंचा उड़कर कहां जा रहे हो। ओवर द माउंटेन्स,
क्या पहाड़ों की तरफ जा रहे हो एंड ओवर द सीज और समुद्र की तरफ जा रहे हो। फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी, तो फ्लाइंग मैन क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे जो है एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जो वह कल्पना करता है कि कोई व्यक्ति जो है उड़ने वाला है और वह उसके साथ घूमना चाहता है। द टेलर एंड हिज फ्रेंड, यह कहानी एक कालू नाम के एक टेलर के बारे में है और एक अप्पू नाम के हाथी के बारे में है। कालू एक टेलर है जिसका दुकान नदी के पास है। वह बच्चों के लिए रंग बिरंगे कपड़े बनाता है, शर्ट और पैंट्स। वही दूसरी ओर अप्पू एक हाथी रहता है जो कि कालू का दोस्त रहता है। अप्पू हर रोज कालू के दुकान आता और कालू जो है वह हर रोज उसे कुछ न कुछ खिलाता। तो एक दिन जो है वह कालू के दिमाग में खुराफात आता है, वह अप्पू को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। वह क्या करता है, अपनी सुई निकालता है और अप्पू के सूंड में जो है चुभा देता है। इससे अप्पू जो है वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। दो दिन बाद अप्पू क्या करता है, सामने के नदी से क्या करता है, अपनी सूंड में पानी लेकर के आता है और कालू के दुकान में हर जगह वह पानी से उसके दुकान को भिगा देता है। जिससे क्या होता है, कालू के जितने भी कपड़े थे जो उसने बनाए होते हैं सारे के सारे भीग जाते हैं और अप्पू जो है वह क्या करता है, अपनी सूंड को हिलाता है और कहता है एक हाथी कभी भी कुछ नहीं भूलता है। जिससे कालू को अपनी वह हरकत याद आती है कि किस तरह से उसने अप्पू के सूंड में सुई चुभोया था और कालू जो है वह अप्पू से अपनी उस गलती की माफी मांगता है और दोनों दोबारा दोस्त बन जाते हैं।